गुड इवनिंग, हम हैं जी ट्राइबल होटल हजारा पाकिस्तान। हजारा का इलाका है लेकिन अभी हम पहुंच गए हैं इस्लामाबाद से 11 किलोमीटर पीछे। टाइम हो गया है 10:18, दरमियान में 1.5 घंटा हम रुके हैं रास्ते में। तकरीबन 7 बजे चले थे पिशावर कारखानों मार्केट, कारखानों मार्केट पिशावर से तकरीबन 22 किलोमीटर आ गया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ रास्ते में, कल जिस रोड से गए थे वो रोड तो A1 फर्स्ट क्लास था, मतलब ज़रा भी हमें ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं थी। आज जिस रोड पे आए हैं वो उस रोड का दूसरी साइड है, वो उसमें बहुत बड़े बड़े खड्डे, इतने बड़े बड़े खड्डे कि हमें बाइक 60, 50, 70, 65 यहाँ तक चलानी पड़ी, इसके ऊपर हम जा ही नहीं सके। इस वजह से टाइम ज़्यादा लग गया, टोटल 170 किलोमीटर सफ़र था। जल्दी मुंडा भाई साथ है, ये आपको सामने नजर आ रहा है पाकिस्तान हजारा होटल, पाकिस्तान हजारा ड्राइवर होटल। ड्राइवर होटल इसी वजह से कि हमें ट्रकों का ज़्यादा स्टे होता है, आगे ट्रक जाकर ज़्यादा आगे रहते हैं। चले कि खैर, हम अपना अगला सफर शुरू कर रहे हैं, तो बाकी इन शाला आगे। ले जी इस्लामाबाद पहुंच गए हैं और 11:10, सफ़र जो आगे हमने किया है ये सारा ठीक था, रोड भी ठीक था। और चूँकि सिटी एरिया इस्लामाबाद का एरिया शुरू हो गया था, इस वजह से भी रोड की कंडीशन जो है ना वो पिछले रोड की नस्बत ठीक थी। अभी एक दोस्त के पास रुक गए हैं, अभी खाना खाएंगे, खाने के बाद फिर देखते हैं आगे क्या करना है। इरादा ये है कि आज सो जाएंगे, सुबह उठेंगे फिर देखेंगे अगला सफ़र कितने बजे शुरू होता है, 9 बजे, 8 बजे, 6 बजे, 5 बजे, जितने बजे भी शुरू होता है अपडेट चार्ज भी करेंगे। ये कलीम भाई और ये मैं, ये हैदर भाई और ये हमारे एतराज भाई, और हम बैठे हैं शाहजी फूड पॉइंट पे, ये G8 मरकज इस्लामाबाद। आज की ये आखिरी वीडियो आप लोगों के लिए, खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद फिर हमें सो जाना है। अच्छा जी, यहाँ पे हमने खाने के लिए मेन्यू में डिसाइड किया है ये कबाब, इसको जूता कबाब यानी चपली कबाब कहते हैं, ये दाल है और ये रायता है और ये रोटी है और ये हम है और ये हम खाएंगे। अच्छा जी, ये मेन्यू हमने डिसाइड कुछ और किया था, भाई कहते हैं यहाँ का ये जूता कबाब अच्छा होता है, चले वो भी ट्राई कर लेते हैं। आप आए हो ये शाहजी होटल, बड़ा मशहूर होटल है इस्लामाबाद में, रात को 12 बजे आपको सिर्फ यही होटल मिलेगा खुला हुआ, वरना ये इस्लामाबाद को मैं अपने अल्फाज में इस्लामाबाद के दोस्तों से माजरत करते हुए कहूँगा कि मैं कहता हूँ इस्लामाबाद में डब्बे अड्डा है। उसकी वजह ये है कि रात को 12-1 बजे अगर आपको भूख लगे तो आपको कुछ नहीं मिलता, आपके पास अगर स्टोर में पड़ा है कुछ तो आप फ्रिज में पड़ा तो खा लेंगे, वरना आपको कुछ नहीं मिलता। इस तरह के मरकज में अगर आपको मिल जाए कुछ तो मिल जाए, वरना आपको रात को भूख लगना पड़ता है। फैसलाबाद में, लाहौर में, कराची में, पिंडी में भी आपको मिल जाता है, इस्लामाबाद में नहीं मिलता। चलें जब खाना खाने लगे हैं फिर इंशाल्लाह सुबह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।